दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व के बारे में। हम इसको हाइड्रोलिक डायरेक्शनल कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन के बारे में कि हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व होता क्या है, इसके सिंबल्स कैसे होते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया कैसे जाता है, इसका नेमिंग कैसे किया जाता है और ये काम कैसे करता है। तो हम एक सर्किट के थ्रू आपको बताएंगे कि एक्चुअली में हाइड्रोलिक जो सोलेनोइड वाल्व का क्या फंक्शन रहता है और इसको कैसे यूज किया जाता है हाइड्रोलिक सर्किट्स में। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व होता क्या है, ये एक्चुअली आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। इसका मतलब ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कोई भी एक्चुएटर्स की। सपोज एक एग्जांपल बोलूं, एक सिलेंडर है डबल एक्टिंग, जहां पे उसको दो डायरेक्शन में मूव करना है, एक बार फॉरवर्ड जाना है, दूसरे बार रिटर्न जाना है। तो जो उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम ये वॉल लगाते हैं, इस वॉल के थ्रू हम ऑटोमेटिक उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली इसको इस तरीके के सिंबल्स से दिखाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सिंबल्स को अगर हम समझें तो यहाँ पे ये जो बीच वाली पोजीशन होती है दोस्तों, ये होती है नॉर्मल पोजीशन या होम पोजीशन किसी भी सोलेनोइड वॉल्व की। यहाँ पे जो ये सिंबल हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये जो सिंबल है ये है 24 वोल्ट डीसी का सिंबल या कोई सप्लाई का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों तरफ ये सप्लाई लगी हुई है। यहाँ पे इसका इस सिंबल का मतलब है स्प्रिंग, यहाँ पे तो स्प्रिंग है इस वॉल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पोर्ट की बात करी जाए तो पी लिखा रहता है, दूसरे पे टी लिखा रहता है, फिर जो बाकी के जो दो ऊपर दिख रहे हैं वहां पे ए और बी लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो पी पोर्ट का मतलब है, यहाँ पे पी पोर्ट का मतलब होता है प्रेशर पोर्ट, ये जो हमारा मेन प्रेशर लाइन से जुड़ा रहता है ये पोर्ट। उसके बाद जो टी का मतलब होता है वो होता है टैंक पोर्ट, तो ये हमारा टैंक से जुड़ा रहता है। ए और बी जो होते हैं एप्लीकेशन पोर्ट होते हैं, ये कोई भी हमारा एप्लीकेशन या हमारा जो एक्चुएटर्स होता है, सपोज सिलेंडर है या कोई भी हमारा जो मूवमेंट जिसका हाइड्रोलिक से मूवमेंट होना है, तो उसमें ये दोनों पोर्ट हमारे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ हमारे जो डिफरेंट वॉल्व हैं, इसमें नॉर्मली जो ये वाली पोजीशन है और एंड वाली पोजीशन है ये लगभग सभी में सेम रहती है। आप इसी तरीके से इन सब इनकी पोजीशन को देखेंगे, लेकिन जो मिड पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन या होम पोजीशन जो होती है, वो नॉर्मली कुछ वॉल्व्स में आप डिफरेंट आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले वॉल्व जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी पोर्ट भी क्लोज है, टी भी क्लोज है, ए और बी यहाँ पे सारे पोर्ट क्लोज हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है ये क्लोज को दिखाता है, वहीं अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो वो ओपन को दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल पोजीशन में पी और टी आपस में कनेक्ट है, मतलब प्रेशर लाइन और टैंक लाइन आपस में कनेक्टेड है और ए और बी पोर्ट क्लोज है। वहीं तीसरे अगर वॉल को आप देखेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए लाइन है वो पी से भी जुड़ी है और टी से भी जुड़ी है, और ये तीनों ही लाइन मतलब कि ए पी और टी आपस में कनेक्टेड है, वहीं बी पोर्ट जो है क्लोज है। कहीं कहीं पे ये इस तरीके से भी होती है दोस्तों, ये आप चारों इन लाइनों को सबको जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो सारे मतलब हमारे पोर्ट हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और प्रेशर लाइन, टैंक लाइन, एप्लीकेशन लाइन सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो वॉल्व होता है उसको हम नेमिंग करते हैं या उसका नाम कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होता है हम उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि एक हमने वॉल्व का एक सिंबल बनाया हुआ है, अब इसको पहचानते हैं कि ये कौन सा वॉल्व है। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा एक्चुअली वॉल्व में दो चीजें होती हैं, एक होता है पोजीशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन, और दूसरी होती है पोर्ट। तो दोस्तों, दो चीजें हमारी सोलेनोइड वॉल्व के अंदर होती हैं। जब भी हम किसी सोलेनोइड वॉल्व का नामकरण करते हैं तो एक होती है उसमें पोजीशंस कितनी हैं और दूसरा होता है कि पोर्ट कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इस सोलेनोइड वॉल्व को मैं अलग अलग पोर्ट और पोजीशन में तोड़ूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वॉल्व की पोजीशन यहाँ पे एक और दो, दो यहाँ पे पोजीशन है। जितने भी हमारे ये डब्बे रहेंगे उतना ही वॉल्व के अंदर पोजीशन होता है,
और जितने हमारे रास्ते होंगे इस वॉल के अंदर, मैक्सिमम कितने रास्ते हैं फ्लूट जाने के, तो वो हमारे पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम रास्ते हैं वो 1, 2, 3, 4 हैं। सेम दूसरी पोजीशन में भी हमारे 4 पोर्ट हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमारे पोर्ट हैं इस वॉल के अंदर। तो जब इस वॉल को हम नेमिंग करेंगे या इसका नामकरण करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों 4x2 वॉल, या हम इसको बोलेंगे 4x2 डायरेक्शनल कंट्रोल सोलेनोइड वॉल्व। तो दोस्तों पहला हमारा जो 4 है ये आता है नंबर ऑफ पोर्ट, और जो डिवाइड बाय 2 हमने किया है ये आता है नंबर ऑफ पोजीशंस। तो जितने भी हमारी हमारे वॉल्व के अंदर पोर्ट होंगे उसको हम पहले डिनोट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके जो दूसरा चीज हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे पोजीशंस कितनी है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इस वॉल के अंदर देखा कि हमारे 4 पोर्ट हैं और 2 पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे हम इस वॉल को बोलेंगे दोस्तों 4x2 डायरेक्शनल कंट्रोल सोलेनोइड वॉल्व। तो सिमिलरली दोस्तों हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कैसे हम इन वॉल्व को हम कैसे इनका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम पहले वॉल को देखें तो यहाँ पे 3 पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड 3। और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट आपको किसी भी पोजीशन में दिख रहे हैं वो 4 हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी आपके देखिए 1, 2, 3, 4, ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो 4 मैक्सिमम पोर्ट हैं और 3 पोजीशंस हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 4x3 DC वॉल। तो यहाँ पे इसको बोला हमने 4x3 क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 पोर्ट हैं और 3 पोजीशंस हैं। तो ये हुआ 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। इसी तरीके से दूसरे अगर वॉल को देखें हम, तो यहाँ पे पोजीशंस हैं हमारी 3, 1, 2, 3। और यहाँ पे अगर पोर्ट देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट यहाँ पे नॉर्मल पोजीशंस में हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 पोर्ट हैं। हमने इस वॉल में देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ पोर्ट हैं वो 5 हैं और नंबर ऑफ पोजीशंस 3 हैं, 1, 2, 3। तो इसको लिखेंगे हम 5x3 DC वॉल। तो सिमिलरली अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ पोर्ट हैं वो 3 हैं, 1, 2, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट हमारे 3 हैं, चाहे हम इस पोजीशन की बात करें या इस पोजीशन की बात करें। और नंबर ऑफ जो हमारी पोजीशंस हैं यहाँ पे 1 और 2 हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, पोर्ट डिवाइड बाय पोजीशन। तो पोर्ट हमारे नंबर ऑफ पोर्ट यहाँ पे हैं 3 और नंबर ऑफ पोजीशन है 2। तो ये हुआ 3x2 DC वॉल्व। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम किसी भी वॉल को नाम देते हैं बेस्ड ऑन उसकी पोजीशंस और पोर्ट के हिसाब से। तो दोस्तों नॉर्मली हम 2 टाइप के वॉल्व यूज करते हैं, एक होता है जो मैनुअली ऑपरेटेड होता है, दूसरा होता है कॉइल ऑपरेटेड। तो मैनुअली ऑपरेटेड का जो सिंबल रहता है दोस्तों इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक हमारा हैंडल का सिंबल बना रहता है नॉर्मली, क्योंकि मैनुअल ऑपरेटेड में हमारा एक तरफ से पुश लीवर होता है जिससे कि हम पोजीशंस चेंज करते हैं। वहीं कॉइल ऑपरेटेड में दोनों तरफ हमारा DC कॉइल लगी रहती हैं जिससे कि वो जब भी मैग्नेटाइज होती हैं तो उसके कारण हमारा यहाँ पे डायरेक्शन और पोजीशन चेंज होता है। दोस्तों आइए समझते हैं कि हाइड्रोलिक वॉल्व कैसे काम करता है किसी भी सर्किट में। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था जो मिड पोजीशन होती है वो होम पोजीशन होती है। यहाँ पे नॉर्मली हमारा किसी भी वॉल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे जैसे कि P, T, A और B। तो नॉर्मली जो हमने कि जैसे कि बताया था आपको कि पी पोर्ट का मतलब होता है प्रेशर पोर्ट, जो कि हमारा पंप से जुड़ा रहता है। ये दोस्तों पंप का सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पी पोर्ट हमेशा पंप से जुड़ा रहेगा और वहीं टी पोर्ट हमारा जाएगा टैंक की तरफ। और दूसरा जो ए और बी होता है वो हमारे एप्लीकेशन, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, तो ये जो ए और बी पोर्ट होगा वो सिलेंडर पे जाएंगे। अब इसको समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक से अगर हमें सिलेंडर को फॉरवर्ड या रिवर्स मूवमेंट करना है तो वो किस तरीके से होगा। देखिए दोस्तों होता क्या है, नॉर्मल पोजीशन जो कि मिड पोजीशन है, नॉर्मली जब कोई भी दोनों में से कोई भी कॉइल या कोई भी लीवर, सपोज अगर हैंड ये हैंड ऑपरेटेड वॉल्व है तो दोनों साइड लीवर्स होंगे। अगर यहाँ पे ये कॉइल ऑपरेटेड है, जनरली हम कॉइल ऑपरेटेड ही यूज़ करते हैं जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं नॉर्मली, जो हमारा
ऑटोमेटिक चलती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कॉइल्स होती हैं, जब दोनों कॉइल ऑपरेट नहीं होगी तो क्या होगा, ये जो हमारी वॉल्व होगा वो उस समय मिड पोजीशन हमारी ऑन रहेगी। तो इस कंडीशन में जैसे कि हम देख सकते हैं जो मिड पोजीशन में हमारे चारों पोर्ट क्लोज हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये सिंबल का मतलब है कि पोर्ट क्लोज हैं, इनमें से कोई भी फ्लो आगे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पे चारों पोर्ट क्लोज हैं, एप्लीकेशन पोर्ट भी दोनों क्लोज हैं और पी और टी पोर्ट भी क्लोज हैं। अब दोस्तों होगा क्या, जब सपोज कॉइल नंबर वन हमारी ऑपरेट होती है, हम इसको कॉइल नंबर वन बोलते हैं, अगर दोस्तों कॉइल नंबर वन ऑपरेट होगी तो होगा क्या, ये पोजीशन यहाँ शिफ्ट होगी। अगर हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम इस डब्बे को इसके ऊपर ओवरलैप करें तो होगा क्या दोस्तों, ये वाली जो डायरेक्शन है तो पी ए से कनेक्टेड हो जाएगा। अगर इस पोजीशन को हम यहाँ ले जाएंगे, सपोज ये वाला कॉइल ऑन होता है तो ये वाली पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा जो पी पोर्ट होगा वो ए से जुड़ जाएगा और जो बी पोर्ट होगा वो टैंक से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज हमारा ए पोर्ट यहाँ पे जाता है, तो इस तरीके से हम दिखाते हैं इसको। अब हमारा अगर ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होगी तो पी से हमारा ए में ऑयल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा प्रेशर लाइन ए से जुड़ जाएगी, तो जो हमारा सिलेंडर है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, वहीं इसका जो फ्रंट वाला लाइन है वो टैंक में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा ऑयल रिलीज हो जाएगा टैंक में। सेम अगर हम दूसरी अगर हमारा दूसरी कॉइल ऑपरेट होती है, सपोज हम कॉइल नंबर दो को ऑपरेट करवाते हैं, तो होगा क्या दोस्तों, जो ये वाली पोजीशन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये वाली पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं जो हमारा पी पोर्ट होगा वो जुड़ेगा बी से, अगर ये पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो पी जुड़ेगा हमारा बी से और हमारा जो ए जुड़ेगा वो टी से जुड़ेगा। तो जैसे ही ये वाली पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा जो पी पोर्ट से प्रेशर जाएगा वो बी लाइन में जाएगा, तो ये हमारा जो सिलेंडर है वो रिवर्स आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि प्रेशर अभी इस लाइन में है तो ये रिवर्स आएगा। वहीं ए लाइन जो जुड़ी है यहाँ पे टैंक से जुड़ जाएगी, तो यहाँ से प्रेशर सारा टैंक में रिलीज हो जाएगा, तो हमारा जो सिलेंडर है वो रिवर्स पोजिशन पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम सोलेनोइड वाल्व से किसी भी सिलेंडर्स को फॉरवर्ड या रिवर्स मूव करा सकते हैं। या आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के बाद आप इजिली जो भी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व के सर्किट को देख के समझ जाएंगे कि इस वॉल्व का नाम क्या है और इसको कैसे हम इसको बोलेंगे, किस नाम से इसको बोलेंगे, कैसे सोलेनोइड वॉल्व हमारा सर्किट में काम करता है, कैसे वो सिलेंडर्स या किसी भी एक्चुएटर की पोजीशंस को चेंज करता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और हमने ये भी देखा कि कितने टाइप के हमारे पोर्ट होते हैं, क्या हमारा पोजीशन होता है सोलेनोइड वॉल्व के अंदर, वहीं हमने कौन कौन सी लाइंस होती हैं लाइक प्रेशर टैंक लाइन और एप्लीकेशंस लाइन, वहीं हमने कुछ नॉर्मल पोजीशंस भी देखी कि नॉर्मल पोजीशंस में या होम पोजीशंस में वॉल्व के डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व क्या होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व क्या होता है और उनके सिंबल कैसे होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।